विक्रांत जैसे लोग तो सोसाइटी में भरे पड़े हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि कब औरतों का इस्तेमाल करें और उनका करियर खत्म कर दे। कह रहा हूं तुमसे प्यार करता हूं मैं, तुम तो समझो। किसी को भी अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि तुम्हारा वजूद ही खत्म हो जाए। आपको यहां नहीं आना चाहिए था विक्रांत जी। तो कहां जाना चाहिए था मुझे? अब किससे मिलने जाना चाहिए था? आप समझ नहीं रहे हो विक्रांत जी, आपके लिए सब छोटी बातें होंगी और पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना भी आसान होगा, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी दुनिया नहीं बसा सकती। मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? क्यों? कुछ ही दिनों पहले बहुत प्यार करती थी, करती थी ना? तो इन दो तीन दिनों में क्या फर्क पड़ गया है? मैं बदल गया हूं, मेरी फितरत, मेरा वजूद बदल गया है। बस तुम्हें यह पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है तो मैं बदल गया? कल्याणी, मैं वही विक्रांत खन्ना हूं जिसे तुम जानती हो, जिसे तुम प्यार करती। क्या बदल गया है? सब कुछ बदल गया है, हमारी दुनिया ही बदल गई। विक्रांत जी, आज भले आपके और आपकी पत्नी के बीच में कैसा भी रिश्ता हो, शायद उसमें प्यार भी ना हो, मगर आप कैसे भूल सकते हैं कि ये वही औरत है जिसके साथ आपने अपने रिश्ते को एक नया मुकाम दिया, आपके बच्चों की मां बनने का सौभाग्य दिया उसे। बहुत आसान होता है बोलना कि मैं सबको छोड़ दूंगा, मगर जब कोई अपना आपको छोड़ देता है ना विक्रांत जी, तो कितना दर्द होता है महसूस कर चुकी हूं मैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से किसी का भी दिल टूटे। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाना ही सही होगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मार, मेरे तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।